बीवी के बिना घर जलाना बड़ा मुश्किल होता, समझ नहीं। दोस्तों ये लेके आया मैं लेके आया ऐसे, और ये है बेलन, और थीचो थीचो थी। तो यहाँ से हमारे गांव का सबसे बेस्ट व्यू, रचुली गांव में ट्रेन, ये आज चार ही डब्बे का गिन बाकी। दादी की सुबह सुबह तैयारी हो रही है, कल जाने आग गुडनू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे और नई वीडियो में, देवभूमि के इस प्यारी सी सुबह से, मेरे गांव रचुली से। तो जी अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30, मौसम की बात करी जाए तो आज बादल लगे हुए हैं। देखो आज सुबह से ही बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, और ठंडा सा मौसम हो रहा है, शायद आज बारिश हो जाए। देख रहे हो, सही हो रहा है ना, बारिश हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, बढ़िया मौसम हो रहा है। और अभी नाश्ता वाश्ता करके मुझे जाना है पसुंडा हल, क्योंकि मुझे लेके आनी है, आज सब्जी ख़त्म हो गई हम मेरी, और तेल वगैरह ख़त्म हो गया, तो वो लेके आना है, बस बारिश ना हो तब तक लेके आएंगे। तो बर्तन भी धो दिए हैं मैंने, तो चलते हैं पंदरे पानी लेने और ब्रश करके आएंगे पंदरे में। अब मैं सोच रहा हूँ दो बंठे निकाला, एक बंठा बंद कर दूँ, क्योंकि अब ज़रूरत एक ही की है, एक ही लगता है, तो एक मेरे को लग रहा है जिस दिन धूप आएगी ना मैं सुखा सुखा के बंद कर दूँगा। तो मुँह हाथ धोते जल्दी जाके पानी लेके आते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर मार्केट। चलो जी बनाते हैं मैगी, और प्लेन मैगी बनाएंगे क्योंकि प्याज टमाटर ख़त्म हो गए हैं, तो मैगी मूगी खा के जल्दी निकलते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बारिश भी आने वाली है, तो इससे पहले बारिश बुरिश आए तो मैं जल्दी जल्दी से लेके आ जाता हूँ, फिर ऑफिस भी है मेरा। तो देखो यहाँ दादी की सुबह सुबह तैयारी हो रही है, कोटी और चदरी और दाथी लेके, देखो इतने मन में ये भगवान कहाँ जाने आप गुडनू गुडनू लाओ ने हाँ जल में का को लाओ वो लोग डर डर मौ डर से ने ने कोई कटो नहीं। अच्छा वो वहाँ पे उधर वो वहाँ जाना दादी ने उधर, बाप रे बाप, ठीक ठीक हाँ चलो एक्टिव हम छोड़ने थे उठ तक। तो देखो दोस्तों, दादी इतनी उम्र में भी सब काम करती है खेतों का, और फसल फसल भी उगाती है, तो माँ का प्यार, तो देखो माँ का प्यार होता है। और ये सब है ऐसे नहीं कि खुद के लिए, भैया ये है कि दादी सोचते थोड़ा करेंगे तो मेरे बच्चे खाएंगे, तो दादी जो भी कोदा वगैरह हो जाता है तो अपने बच्चों के लिए देहरादून देती है, तो देखो माँ का दिल ऐसा होता है इस उम्र में भी। लेकिन ठीक है, दादी ना इसीलिए हेल्दी है और चल फिरती है बढ़िया फर्स्ट क्लास, क्योंकि देखो काम करते रहते हैं, रेगुलर चलते रहते हैं, तो हाथ पांव जाम नहीं होते, तो यही कारण है पहाड़ों में लोग इस उम्र में भी अपने पैरों पे एकदम सही होते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं फिरते हैं। तो चलो मैं भी चलता हूँ मार्केट, और बढ़िया सा मौसम हो रहा है, बस बारिश ना हो जब तक मैं आऊँ। तो दोस्तों पहुंच गए हम पसुंडा हाल, राशन की दुकान में, ताऊ जी की राशन लेते हैं, तेल वगैरह लेते हैं। ये पूजा के लिए ना छोटी। चाची गुड मॉर्निंग, आज ही आई है क्या सब्जियां? हरी हरी टमाटर, टमाटर कितने? 60 रुपए हो गए, थोड़े सस्ते हैं। चलो क्या क्या लेते हैं, देखो कितनी हरी हरी सब्जियाँ हैं, सुबह सुबह खाली पड़ा है। तो जी आ गया हूँ मैं अपने सामान सामान सब्जी लेके, और बीवी के बिना घर जाना बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आता क्या बनाना है, क्या लेना है, आज कौन सी सब्जी बनाए, ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे देखो हमारा गांव अब हरा भरा लगता है, देखो कुछ दिन पहले सूखा था, अब देखो चारों तरफ हरियाली आ गई है, देखो हरे भरे खेत हो गए, और जो सार है वो भी हरी भरी होगी, देखो क्या सुंदर लगता है ना इस समय हमारा गांव। ये है हमारा
रछली गांव जो नए जुड़े हैं पैडल से ब्लॉक में बढ़ताई। तो आजकल बारियां चल रही हैं तो चौड़े धड़ जा रहे हैं गोर, और इस साइड के गोर यहां आ रहे हैं चरने के लिए इधर इस साइड। हो गया सुंदर। दोस्तों देखो वो है हमारा गांव, और दादी देखो पहुंच गई यहाँ काम करने। ये देखो ये नहीं दादे पहुंच गई। ये देखो यहाँ पे वो कर रही है गोड रही है यहाँ पे खेत। ये देखो ये दादी का खेत, और देखो गांव हमारा देखो कितनी दूर है यहाँ से। देखो वो उधर है ना दादी, पैदल 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 है यहाँ पे। क्या कैर कैर वो ये है गुडाई। एक तो खैर ही बीजा मुझे तो हाँ तो क्या कुछ हुई तो घास क्यों घास ही जी जरा जरा है। अच्छा ठीक ठीक। तो जी पहुंच गया मैं, और जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना तो बड़ी चेंजेस आए हैं लाइफ में। अब पहले क्या था कि अगर मार्केट भी जाना होता था ना तो एकदम टिप टॉप बन के जाते थे, और अब क्या है कच्छों में ही पहुंच जाता हूँ मार्केट, लोअर में पहुंच जाता हूँ। तो मतलब ऐसा हो गया, कुछ चेंजेस आ गए हैं लाइफ में। पहले तक सच्ची में जीन्स के बिना कहीं नहीं जाते थे, अब तो जीन्स पहन लो ना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या पहन ले, जब तक उसको उतारो लोअर में पहनो ना ऐसा लगता है कि अनकम्फर्टेबल सा ही हाल है। तो अभी दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ मैं आज, खरीदिए उससे ज़्यादा कुछ तो लाया नहीं, दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये लेके आया मैं लेके आया हूँ घिया, किलो घिया लेके आया हूँ, और मतलब लौकी आधा किलो लेके आया हूँ मैं, ये भिंडी और आधा किलो टमाटर लेके आया हूँ। टमाटर में थोड़े हरे लेके आया हूँ क्योंकि रखे करके पक जाएंगे फिर, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा है, बाकी ये ताऊजी और के लिए लेके आया हूँ मैं ये प्याज, और ये दो तेल की बोतल, ये खाने के लिए ये पूजा के लिए। तो सारा चौका साफ कर दिया मैंने, यहाँ पे ना घास उग रहा था छोटा छोटा, ये देखो सब निकाल दिया मैंने, देखो फिर साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया, फर्स्ट क्लास हो गया। और कल बंदर ने ना इतना बड़ा नुकसान कर दिया ना, मैं क्या बताऊँ इतना वो ना, दिखाता हूँ मैं आपको क्या हुआ। तो एक्चुअली क्या था, मैंने ना यहाँ पे रखी थी ये दाल के डब्बे और दाल, और उसने यहाँ से हाथ मारा, और ये देखो आधा किलो दाल थी सिर्फ, यही बची है, ये भी मैंने नीचे से उकरी है। देखो थोड़ा पत्थर पड़े इसमें, खिड़की से भी दिखाता हूँ आपको, और दाल के छरके भर के, ये देखो ये देख रहे हो ये सारी दाल इसमें थी, इस लिफाफे में थी ये वो दाल, और कहाँ से डाला उसने बताता हूँ आपको हाथ, यहाँ से देखो यहाँ पे आया हो इस खिड़की में, और यहाँ से हाथ डाला उसने और ले गया, ये देखो पूरी दाल गिर गई यहाँ, देखो ये देखो सारी दाल गिर रखी है खिड़की में भी, थोड़ा खिड़की में थी तो वही उखरी है मैंने, और आधा किलो दाल का लापता हो गया, इतना खाया कम वेस्ट ज़्यादा कर दिया, और 160 रुपए किलो हो रही है पीली दाल, ये हाल है। जबकि मैंने ना दरवाज़ा बंद करा, मैं दाल खा रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं किसकी दाल लाए, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं कहा तुम्हारी दाल तो लाए, बाद में पता लगा मेरी दाल गायब होगी। तो ये हाल है भैया। तो दोस्तों दिन के 12 बज रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है देखो, और मौसम देखो चलो सही है, ठंडा हो गया मौसम, और चलते हैं अपने लिए बनाते हैं लंच। और क्या बनाऊँ आज यार समझ नहीं आता। अब दाल भी नहीं बिगाड़ रखी यार, एक दो ना समझ नहीं आता, सुबह क्या बनाए, शाम को क्या, रात को क्या बनाए, समझ ही नहीं आता भाई, पता नहीं कैसे करते होंगे जो गृहणियाँ हैं वो ना मैनेज। तो सोच रहा हूँ आलू पड़े हैं तो थिचोड़ी बना लेता हूँ आलू की ना, आलू थिचोड़ी और भात। तो जी आलू की थिचोड़ी तो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब आलू छिल दिए हैं, आलू थींचने के लिए तो सिलवट्टा है नहीं मेरे पास, तो नो प्रॉब्लम। ये है कपड़ा, ये कपड़ा, और ये रखेंगे हम आलू इसमें, इसको बनाया ऐसे, और ये है बेलन, और थींचो 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 थींचो। तो ये देखो फर्स्ट क्लास थींच के आलू। तो कभी आपके पास कोई ऑप्शन हो तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं थींच आलू थींचने के लिए। तो ये रख दिया मैंने कढ़ाई, तो चलो बनाते हैं आलू की थिचोड़ी। टमाटर ले आऊँ तो टमाटर डाल के बनाएंगे आज। दोस्तों ये तेल गर्म हो रहा है, टमाटर काट लें, और इसमें लगाएंगे हम ये होता है जख्या, और जो बहुत टेस्टी होता था इसका लगाएंगे हम तड़का इसमें, ये है जख्या।
सब्जी तो बन गई है आलू की फर्स्ट क्लास। अब इसको साग बनाना है। साग बनाने के लिए चाहिए आलन, आलन डालना पड़ेगा। बेसन तो है नहीं लेकिन आटा तो है, इतना बहुत होगा मेरे हिसाब से। इसको इसका पेस्ट बनाएंगे। तो देखो ऐसे घोल बना लेंगे, इसमें लम्स ना रहे। और इसमें ऐड कर देंगे इसको, इसमें पानी थोड़ा सा डाल देंगे, बन गया। फिर वैसे तो सबको पता ही है आलन क्यों डालते हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। बेसन या आटे का आलन डालते हैं ताकि जो ग्रेवी है ना वो थिक हो सके। कोई जैसे और चीज़ों में कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ करते हैं, तो और डिशों में कॉर्नफ्लोर वगैरह भी यूज़ करते हैं ग्रेवी को थिक करने के लिए। तो इसीलिए ग्रेवी थिक हो जाती है ना, इसलिए पानी पानी नहीं रहता, इसलिए डालते हैं आलन। तो बस ये बन गया, चावल बनाएंगे। तब तक काम करता हूँ मैं ऑफिस का, जब तक ये बनता है। तो देखो हल्की सी बारिश हुई और फिर बंद हो गई। तो भाई एक ही जमीन गीली हो गई। तो खाना भी बन गया है मेरा, खाते हैं खिचड़ी और भात। तो दोस्तों ये बन गया देखो मेरा आलू का साग, और इधर ये भात। कढ़ाई में ही खाते हैं, इसमें रखते हैं और कढ़ाई में खाते हैं। फर्स्ट क्लास मौसम भी हो रहा है बाहर, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अकेले अकेले खा रहा है, मन ही नहीं लग रहा अकेले अकेले खाने में। चलो कोई नहीं, खाते हैं। आज पूरे गांव ने बंदरों ने आतंक मचा रखा है। ये देखो सब भगा रहे हैं, मेरी भी दाल खा गए। पूरे गांव में फैल रखे हैं आज तो। तो अभी शाम के 5:30 होने वाले हैं, अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। और बारिश हुई नहीं, थोड़ी बहुत बारिश हुई, फिर धूप यहाँ पता नहीं क्यों नहीं हो रही। बारिश पौड़ी साइड तो बारिश हो रही है बहुत। शाम के टाइम में तो रोड में जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए, बैठ बैठ के थक जाता हूँ कसम से। ऑफिस का काम पैर ऐसे हो जाते ना, तो शाम को वॉक करने के लिए ठीक है। सब रोड में आए होते हैं वॉक करने के लिए, तो चलते हैं हम भी रोड साइड। तो यहाँ से हमारे गाँव का सबसे बेस्ट व्यू है ना, सबसे बढ़िया। यहाँ पर 2 टेबल लगे हैं और ताऊ जी लोग यहाँ पर रोज आ जाते हैं बैठने, है 1-2 घंटा ही आराम से। बीमार है मुंह खाली करने। या शुगर वाले हैं, शुगर वाले से कभी जा नहीं सकते। हाँ तो यहाँ पे बैठ के सही नहीं है, पूरा गांव दिख जाता है यहाँ से। और ये अपने सियारे, इधर अपने सियारे भी दिख जाते हैं लोग काम करते हुए। सामने खालीदार, इसर इधर पसुंडा खाल, देखो चारों तरफ है। आमिर किसे बड़े 20 रुपए से खर्ची हो रही है, मैं मिल गई नहीं। हर शाम को ना सब यहीं आते हैं गांव वाले घूमने के लिए, लड़के बूढ़े जवान सब। यहाँ पे बढ़िया से मौसम होता है आज। हाँ बेंच भी लगे हैं, मस्त बैठे हैं ऐसे, और पूरा हवा चल रही है यार। व्यू प्यारा सा यहाँ से गांव का। इधर ये कुलैया के पेड़, आहा मस्त आनंद आता है यार इन सबको देख के ना, पहाड़ों की रौनक। रचुली गाँव में ट्रेन, ये आज चार ही डब्बे का गिन बाकी। बुढ़ी का क्या आज बुढ़ी? अच्छा आज दूसरा नेने उना का। अच्छा आज चार ही डब्बे छन है, ठीक ठीक। घुमा घुमा ना, ये तो नो छन दूसरा वाला डब्बा। तो अभी सैर सुर करके आ गया हूँ मैं, और काम करते हैं अभी। मौसम देखो, कमल सेठ आ रखे हैं। हेलो कमल सेठ, फिर कमल सेठ आ रखा, छुट्टियाँ आ रखे हैं आजकल। और देखो वहाँ से देखो बारिश आने वाली है, पौड़ी साइड से काला हो गया मौसम। देखो बद्रीनाथ का रोड तो फिर टूट गया कल, और कमल यहाँ फंस गया फिर। वहाँ आजकल वहीं है ये होटल में, बद्रीनाथ साइड। चलो अपने बंदे तो फायदा होगा कभी जाना हुआ तो। हेलो तो जी, अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ है। 7 बजे का मेरा ऑफिस ख़त्म हो जाता, लेकिन काम इतना ज़्यादा था ना, तो अभी 9 बजे हो रहे हैं। मैंने सोचा था थोड़े चावल पड़े हैं तो चावल खा लूँगा, लेकिन वो भी चूहे ने जूठे कर दिए। अब एक मैगी बची है मेरे पास, एक मैगी बना के खा जाती है, सो जाता हूँ। अभी पहले थोड़े बर्तन पड़े हैं, बर्तन धो लेता हूँ। क्या करें यार।
मैंने सोचा थोड़े चावल ही खा लूँगा क्योंकि अब 9 बज गए हैं, कब तक मैं पकाऊंगा सब्जी, कब रोटी, टाइम हो जाएगा, तो एक मैगी बना के सो जाता हूँ। बाहर थोड़े बर्तन वो धो लेता हूँ पहले, अभी वीडियो भी एडिट करने, इतना थक गया हूँ ना कसम से, दिन भर ऑफिस का काम, घर का काम, ब्लॉग बनाना, बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई नहीं, देखते हैं जब तक हो रहा है करते हैं। अभी फिर अभी बर्तन बर्तन धो के वीडियो एडिट करता हूँ, उसके बाद सोएंगे फिर। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों शेयर करना मत भूले। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय देव भूमि, जय भारत, जय जागरण, टिल द एंड।